जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च 2020 रविवार को आपको पता होगा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू रखने का ऐलान किया और वो भी देश भर में। अब ऐसे में दोस्तों कुछ सवाल ये पैदा होते हैं आपके और हमारे दिल में कि आखिर 22 मार्च 2020 को क्या वाकई में पूरा भारत बंद रहेगा? आखिर क्या क्या बंद रहेगा? हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा मॉल वगैरह तो ऑलरेडी बंद है ही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या दोस्तों वाकई में ये कंपलसरी है कि आप घर से बाहर ना निकले? कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये जनता कर्फ्यू का सिस्टम रहेगा? और आखिर इस जनता कर्फ्यू के दौरान किन बातों को आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है, वरना आप पर कार्यवाही भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आखिर जनता कर्फ्यू का आप समर्थन कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानकारियां जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। जनता कर्फ्यू के दौरान कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी जरूरी है। बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जानिए वायरस से बचने के लिए जनता कर्फ्यू के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला अपडेट तो ये। और दूसरी बात, जनता कर्फ्यू से पहले ही पीएम मोदी ने अपील की है कि सही जानकारी दें, अफवाह फैलाने से बचें, क्योंकि दोस्तों जनता कर्फ्यू कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने निकाला, आपको पता होगा। और ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो अफवाहें भी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी कई सारी अफवाहें आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए उन अफवाहों की सच्चाई भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जहां तक बात आती है कि जनता कर्फ्यू के दौरान क्या सिस्टम रहने वाला है, तो दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए देश भर में 22 मार्च यानी रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा और इस मौके पर लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने घरों में ही रहेंगे। वहीं शाम में 5 बजे सभी लोग अपने घरों के दरवाजे यानी कि बालकनी या छत से ताली या थाली बजाकर उन लोगों का अभिवादन करेंगे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बचाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा सिस्टम रहेगा, इसमें डॉक्टर्स, नर्सें, मीडिया कर्मी आदि शामिल है। 22 मार्च के दिन आपको जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, हिंदुस्तानी, इंडियंस नागरिक हैं, तो जरूर हम सबको मिलकर इस जनता कर्फ्यू का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पहल शुरू की है वाकई में देश को बचाने के लिए, देश हित के लिए बहुत अच्छी पहल है। जी हाँ, आपको एक और अच्छी और चौंकाने वाली जानकारी बता दूं दोस्तों कि ये जो जनता कर्फ्यू है ना, ये किसी तरह का लॉकडाउन नहीं है, या यूं समझिए आपकी जैसे धारा 144 लगती है, भारत बंद रहता, वैसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि वैसे सिस्टम में तो लोगों के लिए अनिवार्य होता है कि शासन द्वारा आप उन नियमों का पालन करें, लेकिन जनता कर्फ्यू जो शब्द है ना, ये शब्द ही पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता है जिन्होंने जनता कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया। ये किसी तरह का लॉकडाउन नहीं है और किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई अनिवार्य कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सबको दिल से सपोर्ट करना इसको, यही एक सच्ची देशभक्ति होगी। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार की रात को ही राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए अपने सहयोग की अपील भी की है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में कोरोना की महामारी का व्यापक प्रभाव दिख रहा, और ऐसे में ये मानना गलत होगा कि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने इससे लड़ने के लिए संकल्प और संयम को आवश्यक बताते हुए कहा कि देशवासियों को ये संकल्प और दृढ़ करना होगा कि महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य और केंद्र राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें, और ये संकल्प लेना होगा कि हम खुद के साथ दूसरे लोगों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है और वो है कि हम स्वस्थ हैं तो जग स्वस्थ है। घर से बाहर निकलने से बचें और भीड़ से बचें। सोशल डिस्टेंस भी जरूरी है, जहां तक हो सके आप अपने घर से बाहर ना निकलें, बाजार में ना जाएं। पीएम मोदी जी ने कहा दोस्तों कि 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू के तौर पर मनाने की घोषणा की है। इसमें लोगों से अपील की गई है दोस्तों कि वह सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने घरों में रहेंगे और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर कोई भी बाहर ना निकले, यात्राओं से परहेज करें, सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आखिर ये जनता कर्फ्यू क्या है? तो कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी है आत्मसंयम और सुरक्षित निवास की मजबूत कड़ी में से एक है। पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू के रूप में यही मंत्र देश को भी दिया, और साथ ही मोदी जी ने हर एक देशवासी से अपील की है कि रविवार की शाम को 5 बजे दरवाजे, खिड़की पर या अपने घरों की छतों पर जाकर 5 मिनट तक थाली, ताली या घंटी बजाएं। इस कार्यक्रम से उन लोगों का आभार व्यक्त किया जाएगा जो दिन रात कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से सलाह भी की है कि वे अस्पतालों में रूटीन चेकअप के लिए न जाएं, जितना हो सके बचें। मोदी सरकार के इस कदम की पूरे देश में तो प्रशंसा हो ही रही है, साथ में दोस्तों पड़ोसी देश भी अमेरिका, रूस, जापान भी इस जनता कर्फ्यू वाले कदम की प्रशंसा कर रहे हैं। सिनेमा जगत से जुड़े बॉलीवुड क्षेत्र के सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस मिशन को सफल बनाने में अपील कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से कह रहे हैं कि आप भी इस जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करें। वहीं अगर आपको जनता कर्फ्यू के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी जाननी है तो हम आपको DLS न्यूज के इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। क्या करना आपको? सबसे पहले तो घरों में रहें, बाहर न जाएं। दूसरा है 10 लोगों को फोन करके कोरोना वायरस और
इसके बारे में जानकारी दें, जागरूक करें, उन्हें बताएं कि इसके क्या लक्षण है, किस तरह से सावधानी रखनी है आपको, उन्हें मास्क लगाने और सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दें, उन्हें ये अपील करें। इसके अलावा दोस्तों इस मुश्किल घड़ी में संयम बरते हैं, शांति रखें, दिल में तसल्ली रखें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत बीमार भी हैं तब भी हॉस्पिटल जाएं, अन्यथा फोन के जरिए आप डॉक्टर से सलाह लें। अपने हाथों को भी बार बार धोएं, हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर के हर सदस्य को, अपने दोस्तों मित्रों को भी ऐसा करने की सलाह दें। पानी खूब पिएं दोस्तों, आप जितना पानी पिएंगे उतना ही शरीर आपका हाइड्रेट रहेगा, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। इसके अलावा आइसोलेशन में रहें। भारत में कोरोना वायरस दूसरे स्टेज पर है और इस स्टेज में इसके संक्रमण का खतरा अधिक नहीं रहता, लेकिन तीसरे स्टेज में जाने के बाद ये भयानक रूप ले सकता है, इसलिए अपने आप को आइसोलेटेड रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो इस दरमियान अपने चीजें किसी भी सदस्य से शेयर ना करें, और जिसमें खाने पीने और स्पेशली पहनने की चीजें हैं तो अपने पड़ोसियों को दोस्तों को ना दें। खूब सारे मास्क और हैंड सैनिटाइजर को इकट्ठा ना करें, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों के लिए भी ये चीजें जरूरी है, इसलिए इतना स्टॉक ना करें कि एक साल भर तक आपके लिए मास्क और सैनिटाइजर चलते रहें। अपने चेहरे को बार बार न छुएं, ना ही नाक कान और मुंह को छुएं, ऐसा करने से संक्रमण आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। खाने पीने की भी ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे बाजार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनता कर्फ्यू सिर्फ वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने की एक कोशिश है, जो हवा में कुछ घंटे और जमीन पर लगभग 14 घंटे रहता है, और ऐसे में अगर हम 14 घंटे संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें दोस्तों, तो इससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। यही चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 12 घंटे 14 घंटे तक हम सभी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो बाहर जो हवाओं में धूल में वायरसेस उड़ रहे हैं, फैल रहे हैं ना, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इससे आप फिर दूसरे दिन, अगले दिन, 24 घंटे बाद अगर घर से बाहर निकलोगे तो खुद के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके परिवार, दोस्तों, मित्रों, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, ये सभी के लिए। इसीलिए जनता कर्फ्यू का पालन करना जरूरी है, जागरूक बने और खुद इन चीजों का पालन करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा दोस्तों कि अगर आप अपना कोई संदेश भेजकर सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए पीएम मोदी जी ने नंबर भी शेयर किया है, 9013151515। इस नंबर पर संदेश करके आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की भी तारीफ की है। पीएम ने कहा कि ट्विटर ने कोविड-19 नाम का एक विशेष पेज लॉन्च किया और इस पर कोरोना वायरस को लेकर प्रमाणित सूचना पाई जा सकती है, तो उस पेज को फॉलो करें आप। और कुल मिलाकर के फेक चीजों से दूर रहें दोस्तों, अफवाहों से दूर रहें। पीएम मोदी जी ने एक वीडियो भी शेयर किया, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ये देखिए। इससे एक संदेश मिलता है कि किस तरह से एक रुमाल का इस्तेमाल करने से आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। रुमाल या मास्क वगैरह जो कुछ भी आप मुंह पर ढक सके वो यूज करें और इन चीजों को फॉलो करें। और बाकी दोस्तों हम सभी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, जो कुछ भी आप मानते हो, उन सब से हमारी यही दिल से दुआ और प्रार्थना है कि देश को बचाएं, दुनिया को बचाएं, हम सबको बचाएं और कोरोना वायरस की दवा जल्द से जल्द बनाएं। वैज्ञानिक लगातार दुनिया के, भारत के, सभी के मिलकर कोशिश कर रहे हैं और भगवान जल्द से जल्द इसका समाधान कर दे, ताकि मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए ये चीज फायदेमंद होगी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अलर्ट अपडेट आपको जरूर जानने मिलेगा। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य या शहर में रहते हैं और आपके शहर में अभी कोरोना का स्टेटस क्या चल रहा है, कमेंट में जरूर बताएगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा तो, और साथ ही शेयर तो जरूर करना ही है आपको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि यहाँ पर हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरों के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।